तो वहीं इंदौर के पास स्थित खजूरिया ग्राम से भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा का गहरा नाता है, जहां इन दिनों देपालपुर में कथा कर रहे पंडित प्रदीप मिश्रा अपने ससुराल खजूरिया पहुंचे तो ग्रामीणों ने अपने जमाई राजा का भव्य स्वागत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इंदौर के पास स्थित खजूरिया से है पंडित प्रदीप मिश्रा का गहरा नाता। खजूरिया में हुआ जमाई राजा पंडित प्रदीप मिश्रा का भव्य स्वागत। ग्रामीणों ने स्वागत कर पंडित प्रदीप मिश्रा से लिया आशीर्वाद। सीहोर की पावन धरा से निकलकर पूरे विश्व में ख्याति पाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों देपालपुर के 24 अवतार मंदिर में शिवपुराण कथा भक्तों को श्रवण करा रहे हैं, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा देपालपुर के पास स्थित खजूरिया ग्राम स्थित अपने ससुराल पहुंचे। वहीं ससुराल पहुंचते ही ग्रामीणों ने अपने जमाई राजा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने भक्तजनों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। महादेव की कृपा से देपालपुर नगर में महापुराण की कथा 4 बजे से शाम को 7 बजे तक होने जा रही है। आप सभी का परिवार पधारे। बाबा की कृपा से खजूरिया ग्राम में हमारा ससुराल भी है। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने भक्तों को संदेश देते हुए देपालपुर में हो रही शिव पुराण कथा से जुड़ने का आग्रह भी किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी न्यूज चैनल के श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव की कृपा से देपालपुर नगर में शिव महापुराण की कथा 24 अवतार मंदिर में प्रागण्य के अंतर्गत होने जा रही है। देपालपुर मंदिर परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जिस 12 ज्योतिर्लिंग निर्माण का एक लक्ष्य पूज्य गुरुदेव ने बनाया है, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। उसी निर्माण के चलते ये पावन शिव महापुराण की कथा रखी गई है। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो देपालपुर नगर में भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। आप सब बाबा की कृपा से ही इस पावन कथा को श्रवण करें और आनंद। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त जनों ने भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़।